नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर कल होंगे रवाना। माले में भारतीय सहयोग से तैयार तटीय क्षेत्र में निगरानी रडार प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा बल के लिए कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। मालदीव की संसद को भी करेंगे संबोधित। रविवार को कोलंबो में शीर्ष नेतृत्व के साथ रिश्ते मजबूत करने पर होगी चर्चा। संसद के आगामी सत्र में सहयोग को लेकर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत केंद्र के तीन मंत्री। सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में बेहतर समन्वय को लेकर बातचीत। तीन तलाक समेत 10 अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में सरकार। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ काम करेंगे 5 उप मुख्यमंत्री। पार्टी विधायकों की बैठक में फैसला। कल होगा 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। 2.5 साल बाद कैबिनेट में बदलाव की कही बात। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार। कई घंटे चली पूछताछ, जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। और अगले 24 घंटे में केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून। सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना। उत्तर भारत में गर्मी और लू का सितम जारी। अगले कुछ दिनों में मिल सकती है राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का मालदीव और श्रीलंका का दौरा करने का कार्यक्रम है। अपने कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और द्विपक्षीय मसलों पर बात की जाएगी। मालदीव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत की आर्थिक सहायता से बनाई गई दो प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तहत 8 और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव मालदीव की राजधानी माले होगा, जहां प्रधानमंत्री की मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ शिखर वार्ता होगी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी, साथ ही आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री शनिवार को ही मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे। मालदीव में प्रधानमंत्री भारत के सहयोग से तैयार की गई तटीय क्षेत्र में निगरानी रडार प्रणाली परियोजना और राष्ट्रीय सुरक्षा बल के लिए बनाए गए कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, देयर वुड आल्सो बी द जॉइंट इनॉग्रेशन बाय रिमोट लिंक ऑफ द कंपोजिट ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज एज वेल एज द कोस्टल रडार सर्वेलेंस सिस्टम व्हिच इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग अंडर एन इंडियन ग्रांट। This will be followed by some key agreements across several areas, including customs cooperation, connectivity issues like ferry service, some defense agreements, some capacity building agreements. After that, Prime Minister will address the newly constituted Majlis. मालदीव का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे से होनी है। यहाँ भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा के दूसरे पड़ाव कोलंबो में प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। Have talks with President Sirisena, with Prime Minister Ranil Wickremesinghe. He will meet the leader of the opposition, Mahinda Rajapaksha, and he will also have meetings with the with Mr. Sambandan, who heads the TNA, the Tamil parties. And obviously, although the visit will be short, there will be a review of the relationship and identification of how we move ahead.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत मालदीव और श्रीलंका के साथ अहम करार भी कर सकता है, जिसका मकसद इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। प्रधानमंत्री की मालदीव और श्रीलंका यात्रा भारत सरकार की पड़ोसी पहले की नीति के तहत हो रही है। मालदीव और श्रीलंका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था भारत के साथ बेहद करीबी से जुड़ी हुई है। एक समय कहते थे कि चीन की रणनीति भारत को घेरने की है, यानी रिंग ऑफ पर्ल्स हमारे दुश्मनों की बनाने की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रणनीति के पूरे उल्टे करके रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं और इसी कारण दूसरे कार्यकाल में उनकी सबसे पहली यात्रा मालदीव और श्रीलंका की हो रही है। निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा सिर्फ अपने सीमा की सुरक्षा करना नहीं होता, बल्कि देश की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि पड़ोसियों के साथ आपके मित्रवत व्यवहार हैं या नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित करना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा पड़ोसियों के साथ मित्रवत व्यवहार करके होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ मालदीव से अखिलेश सुमन। मालदीव और श्रीलंका यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि भारत मालदीव को अहम साझेदार मानता है, जिसके साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। मालदीव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हाल के दिनों में बहुत मजबूत हुए हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी यात्रा हमारी बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका की उनकी यात्रा श्रीलंका के लोगों के साथ इस साल अप्रैल में हुए भयानक आतंकवादी हमलों के खिलाफ हमारी एकजुटता दिखाने के लिए है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी आई है। मुझे विश्वास है कि मालदीव और श्रीलंका की उनकी यात्रा हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ हमारे करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी, जो हमारी पड़ोसी पहले की नीति और एक क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के नजरिए के अनुरूप है। और मालदीव से मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश, जैसा कि आपने भी कहा कि किसी देश की सुरक्षा सिर्फ उसकी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, पड़ोसियों से उसके संबंध कैसे हैं इस पर निर्भर करती है। पड़ोसी पहले की नीति के तहत प्रधानमंत्री की इन दो देशों की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अमृता, क्योंकि जिस तरीके से भारत के बारे में यह कहा जाता था पिछले दिनों कि पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन कई कारण रहे जिसके कारण पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक तरीके का हस्तक्षेप था इस पूरे इलाके में चीन की तरफ से, और उस हस्तक्षेप की वजह से भारत के संबंध और कई जो पड़ोसी देश हमारे, उन पड़ोसी देशों पे कई तरह के दबाव थे। एक तरह से कहें कि एक उन पे कर्ज का भी बोझ ऐसा हो गया था कि कर्ज के बोझ के कारण उनकी राजनीति प्रभावित हो रही थी, और इस वजह से हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा प्रयास किया, उस प्रयास की अच्छे हो सकते हैं, और इसीलिए अभी मालदीव में जो एक कहते हैं कि जिस तरह से सरकार बनी है, वो सरकार एक मित्रवत सरकार है, और इस मित्रवत सरकार की वजह से बहुत ही तरह की अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए और मालदीव के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। और जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई पिछले दिनों श्रीलंका में, और भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा, न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में बल्कि जिस देश के साथ भी बातचीत हुई उस देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ने, भारत के साथ सहयोग करने में, और उसके अलावा जो एशिया प्रशांत की स्थिति थी जिसे कि बाद में इंडो पैसिफिक कहा गया, हिंद प्रशांत, उस हिंद प्रशांत में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था, तो उस पूरे शक्ति संतुलन को बदलने के लिए भी हमारी जरूरत थी कि हम कम से कम जो समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री इलाके हैं, उस इलाके में संबंध विकसित करें। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली यात्रा की दूसरे टर्म के बाद, उससे यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा हुआ
कि भारत किस तरीके से मालदीव श्रीलंका जैसे देशों को महत्व दे रहा है, और न सिर्फ मालदीव और श्रीलंका बल्कि जो एशिया प्रशांत के कई ऐसे देश है उन सब लोगों में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि भारत इस इलाके में सक्रिय भूमिका निभाना चाह रहा है, और इस सक्रिय भूमिका निभाने की वजह से उनके अंदर भी एक राजनीतिक स्थिरता आएगी और उनके अंदर भी विश्वास बनेगा कि भारत उनको मदद कर सकता है हर तरीके से। और इसीलिए जो समझौते आप देख रहे हैं उन समझौते में कई तरह के हैं, रक्षा समझौता काफी अहम रक्षा समझौता होगा, रडार प्रणाली जो लगाई जा रही है, रडार प्रणाली से पूरे इलाके में हमको देखने में सहूलियत होगी कि किस तरह की गतिविधियां हैं। तो एक तरह से कहें कि पूरे एशिया प्रशांत की राजनीति में, भारत प्रशांत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत आप कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने की सोची है, और कल इसके बाद एक नया आयाम हमारे संबंधों में जुड़ेगा निश्चित तौर पे। और खास करके मालदीव में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता थी पिछले दिनों, उस राजनीतिक अस्थिरता के बाद मालदीव में एक राजनीतिक स्थिरता आई है, और उस राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत के साथ उसके संबंध भी विकसित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी, जिसे कि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी उसमें होगा, तो हमें देखना है कि क्या सरप्राइज एलिमेंट हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालदीव के राष्ट्रपति से मिलते हैं और जो समझौते पर हस्ताक्षर होता है, बिल्कुल अखिलेश, दोनों ही देश जो है रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है, और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर समझौते होने की भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिन की यात्रा पर भूटान पहुंच गए हैं। भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी ने उनकी आगवानी की। विदेश मंत्री बनने के बाद श्री जयशंकर की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्री ने भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने आपसी हितों के मुद्दों, विकास, साझेदारी बढ़ाने और पनबिजली परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग से भी मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा की गई। जयशंकर के भूटान नरेश जुगमे केसर नामग्याल वांगचुक से भेंट करने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भूटान भारत का एक करीबी दोस्त है और भरोसेमंद पड़ोसी है। और आइए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास की दर कम हो रही है, बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। ऐसे में बजट में सरकार के पास क्या है विकल्प, जानने के लिए देखिए मेरे साथ अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संसद के आगामी सत्र को सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। संसदीय कार्य मंत्री ने 17 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र को कामयाब बनाने के लिए यूपीए अध्यक्ष से सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में डीएमके के नेता टीआर बालू से भी मुलाकात की। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सत्र में ही 3 तलाक पर रोक समेत 10 अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है। सरकार की कोशिश आगामी सत्र में विपक्ष को साथ लेकर चलने की है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की 17 जून से शुरुआत होगी। 26 जुलाई तक सत्र चलेगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार केरल पहुंचे।
राहुल गांधी वायनाड में 3 दिन के दौरे पर हैं। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया। राहुल ने आज वंडूर के कालिकावो में रोड शो किया, बाद में जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस रोड शो में AICC महासचिव KC वेणुगोपाल, KPCC अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, वंडूर के MLA AP अनिल कुमार और DCC अध्यक्ष VV प्रकाश भी शामिल हुए। शनिवार को वायनाड जिले में उनका रोड शो होगा। इन 3 दिनों में वो 15 जगह स्वागत समारोह में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीटों अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी से हार और वायनाड सीट से उन्हें जीत हासिल हुई। माय रिस्पॉन्स इज दैट माय डोर इज गोइंग टू बी ओपन टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल, एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ वायनाड। माय जॉब is to listen to the people of Wayanad and speak with the voice of the people of Wayanad. आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां एक नहीं बल्कि एक साथ 5-5 उप मुख्यमंत्री होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल में 5 उप मुख्यमंत्री शामिल करने का फैसला किया है। आज पार्टी विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। बैठक में जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चुनाव करेंगे और शनिवार को 25 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल में जिन 5 उप मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा वो 5ों अलग अलग समुदाय से होंगे। फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और संभावित मंत्रियों को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल में 2.5 साल बाद बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद पार्टी के कई विधायकों ने खुशी जताई है। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे की सरकार जल्द ही राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच CBI से कराने की व्यवस्था करेगी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सिक्किम में CBI जांच कराई जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री चामलिंग खास निशाने पर रहेंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से आरोप है कि करीब 25 साल के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने आर्थिक घोटाले किए हैं। सिक्किम की नवगठित सरकार ऐसी फाइलों की तलाश कर रही है जिनके साथ पिछली सरकार के कार्यकाल में छेड़छाड़ की गई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव का ये कहना है कि राज्य में सतर्कता विभाग को सक्रिय कर दिया गया है और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जल्द ही CBI से संपर्क किया जाएगा। हाल के चुनाव में राज्य विधानसभा की 32 में से 17 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने जीती थी और सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चे को 15 सीटें मिली। लोकसभा की एकमात्र सीट भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के खाते में गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए इसे निरर्थक बताया। ममता बनर्जी ने लिखा कि एक संस्था के तौर पर राज्य की योजनाओं में मदद के लिए इसके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 जून को नीति आयोग की बैठक होनी है। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शारदा चिटफंड मामले में आज पूछताछ के लिए CBI के दफ्तर पहुंचे। CBI ने राजीव कुमार को पहले भी कई बार तलब किया था लेकिन वे अक्सर छुट्टी पर होने की बात कहकर पूछताछ के लिए नहीं थे। राजीव कुमार पूछताछ में शामिल होने के लिए आज सुबह कोलकाता में CBI दफ्तर पहुंचे। करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले की शुरुआती जांच में राजीव कुमार शामिल थे। राजीव कुमार से आज CBI ने दूसरी बार पूछताछ की। इससे पहले राजीव कुमार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिलांग में पूछताछ की गई थी। राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई के तहत CBI की टीम कोलकाता में उनके आवास पर पहुंची लेकिन तब स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ केंद्रीय टीम की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस घटना के बाद राज्य में सियासी खींचतान भी हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को दिल्ली भेज दिया था। राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल के CID के अतिरिक्त
महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए की पहचान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के मुताबिक एनपीए समाधान के नए नियम सभी पुराने नियमों की जगह लेंगे। अब 30 दिनों के भीतर कर्ज में चूक की पहचान करनी होगी। समीक्षा अवधि के दौरान कर्जदाता रेजोल्यूशन प्लान की रणनीति तय कर सकेंगे। रेजोल्यूशन प्लान के लिए आपको लोन की 75% वैल्यू वाले करदाताओं की मंजूरी जरूरी होगी। पहले सभी कर्जदाताओं की मंजूरी लेना जरूरी था। प्लान लागू किया जाता है तो सभी कर्जदाताओं को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करना होगा। इसके तहत मिलकर नियम तय किए जा सकेंगे। समीक्षा अवधि से 180 दिन में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होता है तो आरबीआई बैंकों से 20% की अतिरिक्त प्रोविजनिंग के लिए कहेगा। 365 दिन में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होने पर 35% अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। कर्जदाता कानूनी कार्रवाई भी कर सकेंगे। नया सर्कुलर तुरंत प्रभाव में लागू हो गया है। आरबीआई के एनपीए से जुड़े 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 अप्रैल को रद्द कर दिया था। 2018 के सर्कुलर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के फंसे कर्ज की पहचान करने और उनके निपटारे के संबंध में प्रावधान थे। इसमें किसी कर्ज का 180 दिन के भीतर निपटारा नहीं होने पर बैंकों को उसे दिवालिया प्रक्रिया में भेजना होता था। और दुबई बस हादसे में मारे जाने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। पहले ये संख्या 8 बताई गई थी। इस हादसे में कुल 17 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना का शिकार हुई बस हादसे के समय ओमान की राजधानी मस्कट से दुबई आ रही थी। ये बस ओमान की राष्ट्रीय परिवहन कंपनी की थी जो रास्ते में शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर बने हाइट बैरियर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बस गलती से उस सड़क पर चली गई थी जहां बसों के चलने की मनाही है। हादसे के वक्त बस में कुल 31 यात्री सवार थे। दुबई स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे में मारे गए भारतीयों की जानकारी दी है। The Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Dubai are taking all necessary steps to help the relatives for their the action that is to be taken after the incident, the get the bodies back home, and also for the treatment of those people who are already even now in the hospitals. और आपको बता दें कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने दिल्ली में आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। बैठक में निपाह वायरस बीमारी से निपटने और इसके लिए की गई तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री निपाह वायरस से जुड़ी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। स्थिति को काबू में रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की विशेषज्ञ टीमें केरल पहुंच चुकी हैं और निपाह वायरस बीमारी की जांच और प्रबंधन में राज्य की मदद कर रही हैं। केरल में निपाह वायरस से पीड़ित छात्र की स्थिति स्थिर है और फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 7 संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। और अगले 24 घंटे में मॉनसून केरल के तट पर दस्तक देगा और अगले 3 से 4 दिनों में इसके पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी तट के साथ समुद्र में एक हल्के तो आपको बता दें कि मौसम जो है वो अब कल जो है 24 घंटे में केरल तट पर दस्तक देने वाला है। मॉनसून अगले 3 से 4 दिनों में इसके पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने की संभावना है और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी तट के साथ समुद्र में एक हल्के से गर्त का निर्माण हुआ है जिससे
जिसके वहीं बने रहने की संभावना है और इन अनुकूल परिस्थितियों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर शनिवार को दस्तक देगा। इसके बाद मानसून धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ अपना रुख करेगा। मानसून कर अभी हमारा उम्मीद है कि वो कल तक ऑनसेट हो जाएगा केरला का, साउथ केरला में ऑनसेट हो जाएगा। पहले जून का पहले 10 दिन तक स्लगिश एडवांस का एक्सपेक्टेशन है और लेकिन कल जैसे साउथ केरला का एडवांस हो जाएगा उसके बाद धीरे थोड़ा साउथ पेनिनसुला और केरला का नॉर्दर्न पार्ट्स और कर्नाटका का सदर्न पार्ट्स तक पहुंच सकता है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल की जानकारी पर। नमस्कार।